नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। संजू के ट्रेलर के साथ ही संजय की जिंदगी को लेकर कई तमाम किस्से सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे में संजय दत्त एक बार फिर हीरो बनकर उभरे हैं। संजय दत्त की कहानी में सब कुछ है, अफेयर के किस्से, ड्रग्स और गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने जैसी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी, साथ ही जेल की सजा के साथ और भी न जाने कितनी अनसुलझी कहानियां। इन सब के अलावा संजय की जिंदगी में मान्यता एक अहम भूमिका में है। आइए आपको बताते हैं संजू की जिंदगी का वो अहम इंसान जिसने संजय दत्त की लाइफ बदल दी। संजय दत्त और उनकी मान्यता, क्या है इस कहानी का सच, कैसे वो आइटम क्वीन बन गई संजय दत्त की वाइफ, आइए आपको बताते हैं और आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर मान्यता कौन थी। मान्यता का असली नाम दिलनवाज शेख है। उनका जन्म 22 जुलाई 1979 को मुंबई में हुआ था और बचपन दुबई में बीता। एक्टिंग के प्यार ने उन्हें मुंबई बुला लिया, जहां 2003 में प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल में उन्हें एक आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला और नाम मिला मान्यता। तो ये था मान्यता का इंट्रोडक्शन। अब आपको बताते हैं कि संजय दत्त से इनका कनेक्शन। 2002 में दूसरी पत्नी रिया पिल्लई से अलग होने के बाद संजय का नाम एक पाकिस्तानी मॉडल नाडिया के साथ जुड़ने लगा और तभी मान्यता की एंट्री हुई। साल 2006 में संजय दत्त का एक वीडियो सामने आया जिसमें उनके साथ एक लड़की नजर आ रही थी, जिसे संजय गर्लफ्रेंड बोलकर अपने दोस्तों से मिलवा रहे थे और साथ ही बोल रहे थे कि वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। और फिर क्या था, ये लड़की अक्सर देखी जाती रही। 31 जुलाई 2007 को जब संजय दत्त को गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई गई, इसके बाद संजय को पुणे की यरवडा जेल में भेज दिया गया। जब संजय को मुंबई से पुणे जेल ले जाया जा रहा था, तब भी एक लड़की संजू के पीछे पीछे गाड़ी से जेल तक गई थी। ये थी मान्यता। 3 हफ्ते बाद संजय को बेल मिली तो भी वो साथ नजर आईं। ये थी मान्यता। हर वक्त मान्यता उनके साथ नजर आती रही। संजय को कुछ ही दिनों में बेल मिल गई। इस दौरान वो कई मंदिरों में गए जहां पर उनके साथ मान्यता नजर आईं। 11 फरवरी 2008 की कहानी, जब मान्यता और संजय ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। इस शादी में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। इस शादी में ना ही संजय की बेटी आई और ना ही उनकी दोनों बहनें। संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त ने यह भी कह दिया था कि उन्हें तो उनकी शादी के बारे में पता ही नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब संजय और मान्यता की शादी के बाद एक शख्स की एंट्री होती है और वो खुद को मान्यता का पहला पति बताता है। उसने संजय और मान्यता की शादी को अवैध ठहराया, साथ ही अपनी और मान्यता की शादी की तस्वीरें भी दिखाई जो मीडिया में काफी चर्चा में रही। उस वक्त ये खबर भी आई कि संजय और मान्यता ने गोवा में रजिस्टर्ड मैरिज कर ली थी, लेकिन एक बार फिर ये गुत्थी थी कि आखिर दोनों ने गोवा में क्यों शादी की थी। बाद में ये भी खबर आई कि मान्यता ने पैसों के लिए संजय दत्त से शादी की। आज मान्यता और संजय एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, उनके 2 बच्चे हैं। तो ये था संजय दत्त की कहानी का वो अहम पार्ट जिसके बिना संजू की जिंदगी अधूरी है। उम्मीद है संजू फिल्म में इनकी ये कहानी जरूर दिखेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए देखते रहें फिल्मी बीट।